अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव फूड पीके। मेरा नाम है सलमान हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश कीमा। मक्खन डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, मक्खन गर्म हो गया है सर। ये गैस को करेंगे, इसके अंदर डालेंगे गार्लिक तकरीबन जो है ये 7 से 8 जवें। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच काला जीरा, चलिए इसके अंदर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है हमारे लहसुन के अंदर। अब इसी इस स्टेज के ऊपर हम जो है इसके अंदर वो फिश का कीमा मिलाएंगे। ये कीमा थोड़ा मैंने मोटा रखा है, इसको आप इसको अगर ज़्यादा पीसना चाहें तो पीस दें, लेकिन हमें भी मज़ा दे देंगे। इस स्टेज के अंदर हमने फिश का कीमा मिलाया है और कीमा जो हमने थोड़ा उसको मोटा मोटा रखा है ताकि जो है ये जायके में अच्छा लगे। अब इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच लिया। अच्छा, नमक डालते हुए एहतियात रखिएगा। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ केचप और जो है वो आपका मस्टर्ड पेस्ट डाल रहा हूँ, उसके अंदर भी हल्का सा नमक होता है, उसकी भी एहतियात रखिएगा। मैंने नमक थोड़ा कम डाला है इसके अंदर, अब हसरे जरूर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगा ये मैंने टमाटो केचप लिया है तकरीबन 1/4 से थोड़ा कम है, और 2 चमचे मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट किया है। तो इसके अंदर ग्रेवी बनेगी इससे। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू बुखारे का फल तकरीबन, ये मैंने 1/4 कप लिया है। इसके अंदर आलू बुखारे का फिश के अंदर आलू बुखारे का जो है वो अच्छा लगेगा आता है। फिश को पकने में कम टाइम लगता है, इसलिए 2 से 3 मिनट ज़्यादा 5 से 7 मिनट के अंदर ये आपकी फिश और ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। अब ये थोड़ा इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगा तकरीबन 2 से 3, और थोड़ा हरा धनिया डालूंगा और कुछ मैंने हरा धनिया और जो हरी मिर्च बचा के रख ली है उसकी गार्निशिंग के लिए। अब हमारा कीमा तैयार होने वाला है, 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे ताकि हरी मिर्च और हरा धनिया का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और ये हमारा फिश का कीमा तैयार हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे।